हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पिन कुशन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, सुई धागा लिया है, बटन लिया है, पेन और ये कॉटन और ये राउंड शेप के लिए ये मैंने ये लिया है। तो आप कोई भी जितना भी आपको छोटा बड़ा साइज चाहिए उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये डबल फोल्ड में जो फैब्रिक मैंने डबल फोल्ड रखा है और इसे ये शेप दूँगी। तो यहाँ से मैं पेन से इसे शेप दूँगी। इसे हमने राउंड शेप दिया है, मैं इसे कट करूंगी। इसे मैंने कट कर लिए। अब इसे मैं रॉन्ग साइड से सिलाई दूंगी। तो ये रॉन्ग साइड है, इसे मैं 1 इंच का गैप छोड़ के यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। यहाँ तक यहाँ सिलाई नहीं लगाऊंगी। आप चाहे तो हाथ से भी सिल सकते हो, मशीन से भी सिल सकते हो। ये देखिए, हमने इसे सिलाई लगाई, यहाँ पे हमने गैप छोड़ा है। अब इसे साइड से हम थोड़ा सा कट लगाएंगे राउंड शेप में। जहाँ हमने गैप रखा वहाँ हमें कट नहीं लगाना है। ध्यान रहे सिलाई को, सिलाई ना खुले। अब इसे हम सीधा करेंगे। इसे हमने सीधा कर लिया, इसमें हम कॉटन भरेंगे। अब ये गैप को हम सिल लेंगे। इसे हम बराबर कर लेंगे इस तरह से। अब हम सुई धागा लेंगे, इसे नीचे की ओर से डालेंगे सेंटर में इस तरह से। थोड़ा सा खींच के लेंगे, वापस उसके सामने से लेके नीचे सेंटर से डालेंगे। हम उसे वापस सेंटर में निकालेंगे। और उसके सामने से लेंगे।
हमें बटन लेंगे। इस तरह से इसको क्रॉस में सिलाई लगाएंगे बटन को। आप चाहे तो इसको फेविक्लू से भी चिपका सकते हैं बटन को, लेकिन बटन को अगर सिल के लेंगे तो ये अच्छे से सिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसे सिल लिया है, इसे हमने पम्पकिन जैसा शेप दिया है इस तरह से। ये हमारा पिन कुशन तैयार है। इस तरह से आप पिन कुशन तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।